हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ह्यूमन ऑर्गन तथा उनके अध्ययन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, कोशिका यानी कि सेल। सेल के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा PNS। अगर हम CNS की बात करें तो इसके अंतर्गत दो पार्ट आते हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और PNS की बात करें तो इसके अंतर्गत क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आते हैं। ये इनके मेनली पार्ट होते हैं और इन सभी के अंदर अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, यानी कि जो हमारी किडनी होती है उसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू ब्रेन, यानी कि ह्यूमन का जो व्यवहार होता है ब्रेन से रिलेटेड, उसके अध्ययन को न्यूरोसाइटोलॉजी कहते हैं। हार्ट के अध्ययन को यानी कि हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। फेफड़े यानी कि लंग्स, लंग्स के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।